हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो दोस्तों, अभी देख रहे हो आपके सामने ये मैंने एक माउस रखा हुआ है, और पेट्रोनिक्स ब्रांड का ये मॉडल है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये पेट्रोनिक्स ब्रांड का जो है माउस है। और अभी इसको हाल ही में मैंने इसको ऑर्डर किया था, लास्ट मंथ ही ऑर्डर किया था। अभी मैं आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री पर लेके जाऊँगा, और इस माउस की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊँगा, और आपको बताऊँगा कि आखिर ये ब्रांड आपको इसके प्रोडक्ट मंगवाने चाहिए या के नहीं मंगवाने चाहिए। सो दोस्तों, ये आपका TOR 25 है, जो कि हाल ही में मैंने ऑर्डर किया था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर जाएंगे तो देखेंगे दोस्तों, लिखा होगा हाई स्पीड ऑप्टिकल माउस, 1200 DPI रेजोल्यूशन, वर्क्स ओवर 30 लाख क्लिक्स। और हालांकि दोस्तों, जो 30 लाख क्लिक्स तो दूर है, ये मेरे ख्याल से 30 क्लिक्स भी नहीं चला। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी इसकी एक हिस्ट्री बताऊंगा। ऑटो पावर सेविंग और स्मार्ट लिंक ऑटो कनेक्ट, ठीक है। और दोस्तों, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये भ्रमिक हैं, ये जो भी लिखी हुई हैं। और मैं ये देखिए, 1 ईयर की वारंटी लिखी हुई है। 1 ईयर की वारंटी का हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको इस 15-20 दिन के अंदर जो इस माउस के साथ घटना घटी है वो मैं आपको बताऊँगा। और आगे से आपको मतलब कि थोड़ा बाकी आपका डिसीजन है कि आपको इसके प्रोडक्ट मंगवाने हैं या नहीं मंगवाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको अपनी इसकी ऑर्डर हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, और आपको पूरा एक इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। तो चलो, मैं आपको अपने ऑर्डर बुक पे लेके चलता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको अपने अमेज़न के जो है प्रोफाइल पे ले आया हूँ, अमेज़न के जो है वेबसाइट पे लेके आया हूँ, क्योंकि जो दोस्तों ऑर्डर मैंने किया था वो अमेज़न से ही ऑर्डर किया था। मैं अभी आपको यहाँ पर, ये देखिए मेरा जो है, ये यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ, जहाँ पर मेरे आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखेगी। एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ, योर ऑर्डर पे जाता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मेरी आपको हिस्ट्री दिखेगी कि ऑर्डर मैंने अभी तक क्या क्या किया। स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये एक माउस है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और ये सेम माउस है, और जो कि रिप्लेसमेंट मेरे को करवाना पड़ा था, ठीक है। और क्यों करवाना पड़ा था? बिकॉज ऑफ कि दोस्तों, जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था उसी दिन ये ऑर्डर, दोस्तों ये आप जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये 14 अक्टूबर को दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है डिलीवर 14 अक्टूबर को मेरे को ये हुआ था, ठीक है। तो यानी कि अभी ये नवंबर, 28 नवंबर चल रहा है, तो यानी कि 1.5 महीना हुआ है, और 1.5 महीना में भी दोस्तों मैंने इसको सिर्फ चलाया है 5 से 7 बार मुश्किल से, ठीक है। और 14 अक्टूबर को दोस्तों ये डिलीवर हुआ था, और उसके बाद जो सबसे पहले ही मेरा ऑर्डर जो निकलता है वो कि डिफ़ॉल्ट निकलता है, यानी कि वो चलता ही नहीं है माउस मेरा जो ऑर्डर होता है। तो मैं इसके, क्योंकि फर्स्ट टाइम निकलता है तो मैं रिप्लेसमेंट के लिए डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये मेरे को 19 अक्टूबर को दूसरा ये मेरे को दे के जाते हैं, सेम मॉडल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर को ये मेरे को डिलीवर होता है। रिटर्न विंडो दोस्तों 26 अक्टूबर तक थी, जो कि क्लोज़ हो चुकी है। और दोस्तों, उसके बाद मैंने जब इसको मंगवाया और मैंने इसके बाद इसको चलाया, सो दोस्तों चलाने के बाद ये हार्डली मेरे से ये 3 से 4 बार सिर्फ ये माउस चला है, 3 से 4 बार माउस चला है, उसके बाद ये माउस ही नहीं चला है, उसके बाद तो इसने काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर आप जाके देखेंगे 329 के करीब का इसका ब्लैक मॉडल है, 429 का और 329 का, ये अलग अलग हैं, इसके कलर के मॉडल हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4 एंड जो है हाफ स्टार मिलेंगे, जिसको कि आप देख के भ्रमित हो जाएंगे। और मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्या होगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक फुलफिल बाय अमेज़न का आपको साइन मिलेगा, यानी कि अमेज़न इसको जो है प्रमोट कर रहा है। मैं अब आप इसको यही वाला मॉडल डाल के देखता हूँ, देखो। सो मैं वायरलेस माउस डालता हूँ, देखते हैं यहाँ पर अभी आता है कि नहीं आता। हाँ, सो दोस्तों मैंने यहाँ ऊपर देखेंगे, जैसे कि वायरलेस माउस डाला यहाँ पर, वायरलेस माउस डाल लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा यही वाला पेट्रोनिक्स TOR 23, ठीक है, यही वाला माउस मिल जाएगा। और यही मैंने ऑर्डर किया है, जबकि यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर जाके देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, अमेज़न चॉइस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको यही दिखेगा। लेकिन जब ऑर्डर करके आएगा ये, आपको यही वाला ऑर्डर करके आएगा, TOR 25 को ऑर्डर करके आएगा, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी ऑर्डर हिस्ट्री पे, ताकि मैं आपको वही माउस दिखा सकूँ। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4.5 स्टार मिल रहे हैं, तो मैं एक बार अभी नीचे जाके देखते हैं। और नीचे जाके देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले हम जाएंगे
देखिए ये तो यहाँ पर 5 स्टार यहाँ पर दिखेंगे जो आपको टॉप के दिखेंगे, जो कि जिससे कि आप देख के भ्रमित हो सकते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छा है और जो है इसको अमेज़न जो है वो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, जस्ट मिनट। यहाँ 1 स्टार पे जाता हूँ। सो दोस्तों आपने देखा जैसे कि यहाँ पर मैं 1 स्टार में गया, आपने देखा मैं 1 स्टार फर्स्ट स्टार पे, यहाँ 5, 4, 3, 2 ये जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पर 1 स्टार पे जाके देखिए 27% जो कि हैं 1 स्टार दिया हुआ। अब जब यहाँ पर जाके दोस्तों देखोगे ना, तो 1 स्टार में आपको देखिए क्या मिलेगा, जो मैं आपको कंप्लेंट बता रहा हूँ वही, ठीक है। 1 स्टार में इट स्टार्टेड बिहेविंग वेयर जस्ट आफ्टर 0.5 मंथ, यानी हाफ मंथ ऑफ यूज़ डबल क्लिकिंग व्हेन वी क्लिक्ड वंस कर्सर मूविंग ऑन इट्स ओन एंड इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको अब जितने भी जाएंगे ना यहाँ पर देखिए, इट वर्कड फॉर ओनली 15 डेज, ठीक है। आप जाके देखिए 1 स्टार, स्टार्ट यूजिंग इट 2 मंथ्स अगो एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड वर्किंग, और माउस इज़ नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। देर इज़ अ प्रॉब्लम विद द माउस, समटाइम्स इट्स ऑटोमेटिकली फेसिज अ डबल क्लिक। मैक्सिमम आप जाके देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर राइट क्लिक इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, ये देखिए ये मेरा यहाँ पर है, ये जो मैंने दे रखा 1 स्टार, वस प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो इट इज़ स्टॉप वर्किंग विद इन 15 डेज इवन व्हेन इट चूज 3 और 4 टाइम्स इन द ड्यूरेशन, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 3-4 बार यूज़ किया और उसके बाद ही इसको जो है काम करना बंद कर दिया। उसके बाद की मैं स्टोरी अभी बता रहा हूँ, क्यों अभी 28 नवंबर को वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जगदीश जी, यह नैनो डोंगल साथ में दिया, ये अच्छा ठीक है। डिसअपॉइंटेड फॉर द प्रोडक्ट, फर्स्ट माउस वाज ऑलरेडी डिफेक्टिव, अमेजन रिप्लेस्ड इट ऑन द सेम डे 5th फॉर द, बट द प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, स्टॉप वर्किंग विद इन 10 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम आपको इट इज़ डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ और मॉडल, ठीक है, सॉरी वेरी वर्स प्रोडक्ट विद इन 1 वीक, माउस नॉट वर्किंग, क्लिक वेरी सेंसिटिवली बिहेविंग, वर्स्ट प्रोडक्ट वेरी वर्स्ट प्रोडक्ट, डोंट बाय दिस विद इन द 1 वीक, माउस वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है। आप जाके पूरे यहाँ पर जाके पढ़िए दोस्तों, आपको मैक्सिमम यहीं पर जाके इसको आपको सारे मैक्सिमम यही मिलेगा कि भैया ये एक या दो दो बार यूज़ करने में भी बंद हो गया, 10 दिन में बंद हो गया, 15 दिन में बंद हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने उस समय स्टार देखे नहीं थे, और मैंने भी आप जैसे किया ना, मैंने ऊपर जाके यहाँ पर ये 5 स्टार देखे और मैंने देखा कि हाँ चलो यहाँ अमेज़न इसको प्रमोट कर रहा है, अमेज़न कर रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना इसका जो जो बैक कवर जाके देखेंगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक मेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखा होगा कस्टमर केयर के लिए। अब कस्टमर केयर में दोस्तों आपको वहाँ पर मेल करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है मैं आपको दिखाता हूँ, सो दोस्तों अभी मैं आपको अपनी मेल पे ले आया हूँ, और मेल पे आप जाओ के देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये यह आप सब्जेक्ट लाइन पढ़ सकते हैं, योर पेट्रोनिक स्पोर्ट टिकट माउस नॉट वर्किंग आफ्टर 15 डेज़, ये मैंने मेल डाली। सो दोस्तों आप इसकी जो जाके देखेंगे कवर के ऊपर आपको एक मेल आईडी मिल जाएगी पेट्रोनिक्स की, और एक कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा। कस्टमर केयर नंबर पर आप फ़ोन मिलाएंगे तो कोई भी नहीं उठाएगा, और मैंने इनके मेल डाली, तो मेल में डालने के बाद दोस्तों इन्होंने कन्फर्म किया कि इनको मेल मिल गई है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मैं इनको पूरी एक डिटेल लिख के भेजता हूँ, ये बिल मांगते हैं, मैंने इनको बिल भी दे दिया। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना आपको, सॉरी ये जो प्रोडक्ट है ये आप सबमिट कर दो इसको, ये इन्होंने एड्रेस दिया मेरे को दिल्ली सर्विस सेंटर में, यहाँ पर आप सबमिट कर दो, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये रिप्लेस होगा या फिर इसको रिपेयर करना होगा। सो दोस्तों इन्होंने 2 सर्विस सेंटर दिए, यहाँ पर जाके देख सकते हैं, एक मुंबई का और एक दिल्ली का, ठीक है। और नीचे लेकिन आप जब पढ़ेंगे दोस्तों, वी वर्क विद द कैरी इन अ वारंटी, वी डू नॉट हैव ऑन साइट पिकअप सर्विस, कोरियर चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल बाय द कंपनी, फिजिकल डैमेज विल नॉट कवर द वारंटी। सो दोस्तों आप इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि भैया सर्विस सेंटर सेंड कर दो, लेकिन जो कोरियर का चार्जेस होगा वो हम पे नहीं करेंगे, यानी कि हम 250-300 रुपये का एक तो ख़राब मोबाइल, ये इनका माउस मंगवाएं। आप कस्टम वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि इनके 1 स्टार के ऊपर सब सब ने यही कमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से हम इसको कोरियर के पैसे करके कोरियर लगाएं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे रिपेयर करेंगे या वारंट वो उसको रिप्लेस करेंगे, तो उसको कोई चार्ज भी हमें ये रिफंड नहीं करेंगे,
ठीक है। तो जब मैंने बोला कि भैया जब ऐसा क्या होगा कि भाई तुम तो मैंने यहाँ पर इनको लिखा कि भैया मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं इससे बढ़िया तो मैं कोई नया प्रोडक्ट ले लूँगा, मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँगा, तुम्हारे वहाँ पर मैं कुरियर करूँगा। तो ये बोल रहा कि या तो आप इसको फिज़िकल दे दो, यानी कि फिज़िकल भी देने जाओ तो अपना पेट्रोल और गाड़ी में जैसे भी जाओगे तो उसका किराया आपको खर्चना पड़ेगा, उसको कोई रिफंडेबल नहीं है। सो दोस्तों जो सर्विस है वो भी पैथेटिक है, और आप इनके 5 स्टार पे मत जाइएगा और अमेज़न के ऊपर भी मत जाइएगा, और आप इसके 1 स्टार के पढ़िए, और मैक्सिमम आपको वही कमेंट मिलेंगे जो कि इशू मैंने बताया। तो ये मुझे लग रहा है कि क्या करते हैं कि भैया ये आपको अमेज़न के चक्कर में आप इनके ब्रांड्स पे मत पड़िए, बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है, इससे बढ़िया आप जो है एक अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट मंगवा लीजिए, कोई डेल का मंगवा लीजिए, कुछ भी मंगवा लीजिएगा। ज़रूर है आपको थोड़े पैसे फालतू लगेंगे डेफिनेटली वो, लेकिन आपका वर्थ होगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्या है कि मैं इनको रिपेयर के लिए नहीं भेजूंगा, मैं तो नहीं भेजूंगा, मैंने बोल दिया कि भैया मैं नहीं भेज रहा हूँ, मैं वेस्ट ऑफ मनी है, और मेरा फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम प्रोडक्ट जो है मैंने बाय किया ये आपका, उसके बाद मैं इसको ज़िंदगी में भी कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करूंगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा सर जस्ट अवेयरनेस के लिए एक वीडियो था, तो आप भी ध्यान रखिएगा और आप भी एक बार जाके विजिट करिएगा अमेज़न पे। और तो हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि भैया मैं आपके पैसे नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप ये जो ब्रांड है ना इनके जो है बच के रहें, इससे बढ़िया आप थोड़े पैसे और मंगा मिला के ना आप अच्छा सा, लेकिन आपको दोस्तों मंगवाना है तो आप कोई अच्छा प्रोडक्ट मंगवा लो, आप इनके अमेज़न के ऊपर और 5 स्टार के ऊपर मत जाइएगा, और आप एक बार जब भी मंगवाएंगे तो इनके 1 स्टार जो हैं उसके ऊपर जाके रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा, और आपको सारा पता लग जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर कोई दोस्तों अंडरस्टैंडिंग अगर पेंडिंग है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरा काम है अवेयरनेस देना। सो मैं आपको इसके ऊपर अवेयरनेस दे रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स में मैंने क्या देखा, वो दिखाते हैं कि अरे ब्रांड इतना बढ़िया ये है वो है, यूज़ करते हैं, मैं आफ्टर यूज़ आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट लाया हूँ उसके बाद वीडियो नहीं बनाई है मैंने आफ्टर यूज़ वीडियो बना के उसके बाद बना रहा हूँ। मैंने और भी प्रोडक्ट मंगवाए हैं, मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई ड्यू टू टाइम की वजह से, मेरे को टाइम जो नहीं मिल पाता इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा बनाना मेरा बंद है, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट मेरे को इसीलिए लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और ताकि और लोग चीट ना हो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये इसी एक ही इनके पास जो है ये डिफेक्टिव भेजते रहते हैं, एक से ऑर्डर आता है दूसरे की तरफ भेजते हैं, दूसरे का ऑर्डर आता है तीसरे की तरफ भेजते हैं, और वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। सो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल का लिंक जो है सब्सक्राइब का बटन नीचे है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने दोस्तों और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं जो है, और अभी आपने मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखा होगा मैंने और भी काफ़ी प्रोडक्ट मंगवाए थे यहाँ पर, अभी देखेंगे आप मेरे को ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए एक यहाँ पर ये JBL कमर्शियल जो है ये मंगवाया था, उसी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के बताऊँगा, और इस प्रोडक्ट का मैं आपको ट्रू रिव्यू बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कितना वर्थी ये प्रोडक्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।